अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आप कैसे होंगे। जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है। नर्सरी में आया था पौधे लेने के लिए, कोई नीम के दरख्त वगैरह लेने थे एक आध, तो एक आध कोई और शोपीस वगैरह ले लेना घर में लगाने के लिए, लेकिन इधर नर्सरी वाला तो कोई मुझे मिला नहीं है। लेकिन यहाँ का जो मंजर है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ यहाँ का मंजर दिखाया जाए। कितना शानदार मंजर लग रहा है माशाल्लाह, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं और बेहतरीन किस्म की यानी कि नर्सरी। इतने पुराने पुराने इधर पेड़ दरख्त लगे हुए हैं कि बंदा देखे तो देखता ही रह जाए। मज़े की बात एक और इतना बड़ा शहद की मक्खी का छत्ता लगा हुआ तकरीबन, कोई इतना बड़ा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इतने में शायद कि आपका नर्सरी का मालिक भी आ जाए और आगे जो है फिर हम उससे दरख्त वगैरह लेकर चले नीम के। तो चलिए जी चलते हैं, वीडियो बनाते हैं आगे भी काशी आगा का आगे। सबसे पहले इधर का सारा का मंदिर दिखा रही निकल गया साइड साइड से राइट साइड। ये देखिए जी चारों तरफ का मंदिर चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे जब चलते हैं ऊपर लगा ये दरख्त भी कहाँ पे ऊपर से लेगा कैमरा बना रहा सारा ऐसा ले रहे ना। बड़े मक्खी है छोटी मक्खी है? बड़ी बड़ी है। ये देखो ये शहद की मक्खी का लगा हुआ है छत्ता, लगा हुआ शहद की मक्खी का, बहुत ही बड़ा है ये। और एक और आगा अच्छा जी एक ये है और एक वो सामने लगा हुआ है। ये देखो जी एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो छत्ते लगे हुए हैं। और यहाँ का मंज़र माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना पुराना दरख्त है, इसकी मोटाई देखो पता नहीं अल्लाह जाने हज़ार साल पुराना है कि 500 साल पुराना है। इसकी यानी कि लिमिट तो वही बता सकता है जो इसके जो इनके बारे में सर्च करते होंगे जो लोग, लेकिन इसकी मेरे ख्याल है कि उम्र काफ़ी होगी, पाकिस्तान बनने से शायद हो सकता है काफ़ी साल पहले हो। यानी कि इसके ये देखें ये चारों तरफ से और ऐसे ही ये भी मेरा इसी की शाख में से कोई लगा हुआ नहीं, ये अलग है। और यहाँ से भी देखो ये छत्ता नज़र आ रहा है ये शहद की मक्खी का। ये देखें ये और ये ये इधर आम का दरख्त आ गया और ये जो है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको आई होगी पसंद। तो आगे नर्सरी में आए थे पेड़ पौधे वगैरह लेने थे, लेकिन वो अभी तक कोई नर्सरी का मालिक नहीं आया, तो ऐसे ही खुली पड़ी हुई है। और ये काशी भी आया मेरे साथ। और जो ये देखो ये है इधर ट्वेल लगा हुआ, ये इधर पानी है ट्वेल का। और ये दरख्त जो है ये डंडे लगा लगा कर इसकी शाखें जो ऐसे गिरी हुई है, यानी कि शाखें जो है उन्हें आसरा नहीं है खड़े होने का, ये इन्होंने डंडे लगा लगा के रोकी हुई है। ये देखो ये भी दरख्त बड़ा पुराना है। ये देखे जी ये टहनी जो है इन्होंने ये लगा के रोकी हुई है, और इधर ये टहनी जो है इस तरीके से सपोर्ट दी हुई है इसको, ये इधर भी सपोर्ट दी हुई है क्योंकि इनमें, और एक ये सपोर्ट दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।